हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जूनियर इंजीनियर रेलवे आरआरबी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। दोस्तों आरआरबी का वैसे एडमिट कार्ड दोस्तों आ चुका है और इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है वही इस वीडियो में हम मैंशन करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के आइकन को भी दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों समय को ख़राब ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमको अपने ब्राउज़र पर चलना है। ब्राउज़र पर चलने के बाद हमको अपने गूगल खोल लेना। जैसे दोस्तों मेरा गूगल खुल चुका है। गूगल पे बाद दोस्तों हमको गूगल पर टैप कर देना है। दोस्तों हम जैसे ही गूगल पर टैप करेंगे हमको गूगल के सर्च बार में लिख देना है सरकारी रिजल्ट। दोस्तों हम जैसे ही सरकारी रिजल्ट लिखेंगे तो दोस्तों हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों हमको इस फर्स्ट लिंक पे ओपन कर देना है। दोस्तों जैसे हम इस फर्स्ट लिंक पे ओपन करेंगे तो दोस्तों हमारे पास तीन ये एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा होगा रिजल्ट, एडमिट कार्ड एंड लेटेस्ट जॉब। तो दोस्तों हम एडमिट कार्ड पे चल जाएंगे। एडमिट कार्ड वाले पोर्शन में चल जाने के बाद फर्स्ट लिंक पे होंगे रेलवे आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेई स्टेज टू सेकंड एडमिट कार्ड 2019। दोस्तों इस पर टैप कर देंगे। टैप कर देने के बाद दोस्तों हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। खुल जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2019। तो दोस्तों इसका फॉर्म 2 जनवरी 2019 को निकला था और दोस्तों इसका लास्ट डेट 31/1/2019 था और दोस्तों लास्ट ऑफलाइन फी पेमेंट करने के 4/2/2019 था। तो दोस्तों जनरल ओबीसी वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों इसका 500 था, एससी एसटी वालों के लिए 250 था। दोस्तों इन सब बातों को हम बाद में बताएंगे। दोस्तों पहले इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे, तो दोस्तों इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखो लिखा हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो इसके सामने वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे क्लिक हेयर। तो दोस्तों हम जैसे ही क्लिक हेयर पे ओपन करेंगे तो दोस्तों हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 3/2018 रिक्वायरमेंट ऑफ JEE JEIT DMS CMA। तो थोड़ा और नीचे आएंगे दोस्तों, जिस जोन से आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा दोस्तों उस जोन को सिलेक्ट कर देंगे। सपोज दोस्तों मैं चेन्नई पे ओपन कर देता हूँ। दोस्तों जैसे हम चेन्नई पे ओपन करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिस पर लिखा होगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड लॉग इन टू योर अकाउंट। दोस्तों जिस समय आपने दोस्तों अपना ये फॉर्म अप्लाई किया होगा उसमें आपको दोस्तों आपके मोबाइल नंबर में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा। दोस्तों आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे दोस्तों भर देना, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भर देनी है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद दोस्तों आपको इस लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसका दोस्तों हमने आपको बता दिया इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है, सिंपल वे था। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।